एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। चमकी, ये क्या तुम गाने गाते रहते हो ऊट पटांग से? ये कौन सा सॉन्ग है? अरे आपको नहीं पता, आज हमने फॉरवर्ड काउंटिंग रिवाइज करनी है। अच्छा, तो उसके लिए सॉन्ग गा रहे थे और क्या? मगर आज तो मैंने बैकवर्ड काउंटिंग सिखानी है। तो क्या हुआ भाई, पहले फॉरवर्ड रिवाइज करेंगे फिर बैकवर्ड कर लेंगे, ठीक है ना? ओके। हेलो हेलो, अब तुम चुप रहो ताकि मैं कुछ बोलूं। ओके, हेलो एंड वेलकम लिटिल विवेकियंस, हाउ आर यू? ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड वेल एट योर होम। ओके, सो चमकी हैज मस्ट टोल्ड यू कि हम पहले फॉरवर्ड काउंटिंग रिवाइज करेंगे और फिर हम करेंगे आज बैकवर्ड काउंटिंग। आपको पता ही है मीनाक्षी मैम ने आपको कराई थी बैकवर्ड काउंटिंग, है ना? कहाँ से कराई थी बताओ? यस, 9 से लेके 0 तक, है ना? और आज नेहा मैम आपको जो है बैकवर्ड काउंटिंग कराएंगी 19 से लेके 10 तक। ओके, तो स्टार्ट करें पहले अटेंडेंस टाइम। स्टार्ट करें अटेंडेंस अपनी अपनी। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज, आई स्टडी इन प्रीनर्सी। Very good. I am present today. I like Motu Patlu cartoon. You also like, na? I also like Motu Patlu. Thank you. Put your stick in the attendance chart. So now let's start our weather chart time. Weather के बारे में ना पता करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलो शुरू करें। कुणाल, टुडे इज योर टर्न, जस्ट टेल मी हाउ इज द वेदर टुडे। गुड, यस इट्स सनी वेदर, मगर सनी के साथ और क्या क्या होता जा रहा है? सनी के साथ जो है कोल्ड भी होता जा रहा है। वी फील कोल्ड ना, हमें थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है ना, कोल्ड एंड सनी वेदर। तो अब आप क्या बोलोगे? द वेदर इज नाउ कोल्ड एंड सनी। Now, calendar chart time. Now, do you know which date is today? Tell me. Yes, today the date is 9. The date is 9. And the day is Monday. The day is, speak after me, Monday. The month is, which month is going on? November. Which month is going on? November. And the year is 2020. Which year is going on? 2020. Good. So now, in every class, we used to do exercise and yoga. Okay? But aaj hum sabse pehle kya karenge? We will recite Gayatri Mantra with ma'am. Okay? So all of you, join your hands. Keep your hands here. Join your feet like this. Yes. Stand straight. Close your eyes and we will recite Gayatri Mantra 3 times. You will speak after the teacher. Okay? Start. Om Bhurbhuvasvah Tatsavitur-varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। ओपन योर आईज, हैंड्स डाउन, वेरी गुड। नाउ एवरी मॉर्निंग यू विल रिसाइट गायत्री मंत्र विद योर मामा 3 टाइम्स। ओके, योर मामा विल रिसाइट फर्स्ट एंड यू विल स्पीक आफ्टर योर मामा। ओके चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न बैकवर्ड काउंटिंग, जिसे हम रिवर्स काउंटिंग भी कहते हैं। और यू नो यू हैव लर्न फॉरवर्ड काउंटिंग ऑल्सो। फॉरवर्ड काउंटिंग कैसे कहते हैं?
जिसको हम बिल्कुल सीधी काउंटिंग करते हैं, एंड बैकवर्ड काउंटिंग मीन्स जब हम रिवर्स उल्टी गिनती करते हैं उसको हम बैकवर्ड काउंटिंग कहते हैं. लाइक सी आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई एम मूविंग, आई वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड. तो मैं फॉरवर्ड कैसे चलूँगी? आगे. सो आई विल मूव फॉरवर्ड, है ना. इन दिस वे दिस इज फॉरवर्ड. ओके, नाउ इफ आई वॉन्ट टू मूव बैकवर्ड तो मैं बैकवर्ड कैसे चलूँगी? मैं यहीं से इसको वापस चलूँगी. आई विल नॉट चेंज माई पोजिशन, मैं यहीं से बैकवर्ड आऊँगी. ठीक है, इन दिस वे सपोज मेरे पास यहाँ कोई नंबर्स हैं, और अगर नंबर्स नहीं भी हैं, आई एम स्पीकिंग काउंटिंग और मैं फॉरवर्ड मूव करती हूँ. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, मैंने 6 तक फॉरवर्ड काउंटिंग करी. ओके, नाउ आई वॉन्ट टू डू बैकवर्ड और रिवर्स काउंटिंग फ्रॉम 6 to 0. मुझे वापस उसी प्लेस पे जाना है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगी? गुड, आई विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर 6. तो लेट्स स्पीक आफ्टर मी. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. आगे मैं अपने प्लेस पे वापस. दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड काउंटिंग. फॉरवर्ड मीन्स जब हम सीधी काउंटिंग बोलते हैं, एंड बैकवर्ड मीन्स जब हम उसी काउंटिंग पे वापस आते हैं मगर रिवर्स पोजिशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास. लुक हियर, हियर आई हैव दिस बैकवर्ड काउंटिंग शीट. इसके अंदर हम पहले बैकवर्ड के साथ साथ फॉरवर्ड काउंटिंग रिवाइज करेंगे. नाउ यू कैन सी हियर आई हैव वन स्ट्रिप ऑफ पेपर जिसके अंदर मैंने फॉरवर्ड काउंटिंग लिखी है. और कितना ईजी है देखो इसको बनाना. इसको आप बैकवर्ड भी यूज़ कर सकते हो और ऐसे फॉरवर्ड भी यूज़ कर सकते हो. तो चलो पहले फॉरवर्ड रिवाइज करें. अब सब मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, शनाया, अमायरा. ओके, स्पीक आफ्टर मी. एवरी वन हैव टू स्पीक आफ्टर मी. ओके, स्टार्ट. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये हमने क्या की? फॉरवर्ड काउंटिंग. अब मैं इसी काउंटिंग को बैकवर्ड करना चाहती हूँ, तो चले वापस. वी विल स्टार्ट फ्रॉम, यस, 9 से स्टार्ट करेंगे. 9. नाउ विच नंबर कम? यस, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. 9 के बाद क्या आता है? टेल मी, काउंटिंग में क्या आता है? सोचो सोचो, जल्दी सोचो. टेल मी निकुंज, व्हाट कम्स आफ्टर 9? 9 के बाद क्या आता है? यस, 10. तो आप 10 से 19 तक फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे, देन वी विल डू बैकवर्ड. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ये हमारी फॉरवर्ड काउंटिंग हो गई. नाउ वी विल डू बैकवर्ड. तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 19 से. ओके, सो पहले कौन सा नंबर आया बॉक्स में? यस, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 and 10. सो हियर वी हैव लर्न्ड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग. देखो कितना इजी मेथड है पेरेंट्स बच्चों को लर्न कराने के लिए, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. इट्स अ वेरी सिंपल. इससे बच्चा नंबर भी रिकॉग्नाइज कर रहा है और साथ साथ वो अपने आप इसको मूव कर रहा है. उसको पता लग रहा है कि कौन सा नंबर फॉरवर्ड चल रहा है और कौन सा नंबर अब बैकवर्ड चल रहा है. नाउ आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल फॉर दिस बैकवर्ड काउंटिंग. मिस्टर बनी रैबिट, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ओ माई गॉड, दिस बनी रैबिट वॉन्ट्स टू ईट दिस कैरेट, बट दिस बनी रैबिट इट्स फाइंडिंग डिफिकल्टी टू ईट द कैरेट. अब ये क्या करें? ये बनी रैबिट तो बहुत परेशान है भाई कि मैं कैरेट तक कैसे जाऊँ. आप देख रहे हो मैम ने ये क्या बनाया है? लुक हियर, दिस इज, पता है क्या है? स्टेयर्स. आपके हाउस में स्टेयर्स है ना? यू हैव स्टेयर्स इन योर हाउस. तो बैकवर्ड काउंटिंग को लर्न करने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं. यू हैव स्टेयर्स इन योर हाउस, आप नीचे से ऊपर स्टेयर्स चढ़ो और साथ साथ काउंट करो. लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 विद द हेल्प ऑफ योर ममा. अलोन नहीं, नहीं तो आप गिर भी सकते हो.
विद द हेल्प ऑफ योर मम्मा यू विल क्लाइंब द स्टेयर्स. ठीक है, पहले आप फॉरवर्ड चलो और फिर ऊपर से नीचे आओ. ऐसे ही अब ये जो रैबिट है ये पहले नीचे से ऊपर तो आ गया, मगर बेचारा रैबिट कैरेट लेके आना भूल गया. अब ये क्या करेगा? ही विल गो बैकवर्ड और फॉरवर्ड. बताओ, नंबर्स को देख के बताओ ये कहाँ चलेगा, बैकवर्ड कि फॉरवर्ड? यस, वेरी गुड कुणाल, ये बैकवर्ड चलेगा. तो चलाए इसको जरा कैरेट तक. ओके, स्पीक विद मी. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 11, 10. Yippee! Oh my God! Carrot milky rabbit queen is going to eat this yummy carrot. So children, मज़ा आया? देखा हमने कितनी सारी चीज़ें लर्न करी बैकवर्ड काउंटिंग से, करी ना? तो अब आपके पास कितने सारे एग्जाम्पल है बैकवर्ड काउंटिंग लर्न करने के लिए और फॉरवर्ड काउंटिंग के लिए. मैम ने बताया कि जब आप वॉक करते हो तब आप काउंट के साथ अपने स्टेप्स को फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंट कर सकते हो. और एक ये मेथड मैम ने बताया, यू हैव टू विद योर हेल्प ऑफ योर मम्मा यू कैन ड्रॉ द स्टेप्स लाइक दिस. नहीं तो जो आपके घर में स्टेयर्स है वो भी आप अपनी मम्मा के हेल्प के साथ उसको आप चढ़ सकते हो और नीचे उतर सकते हो, है ना? जब हम ऊपर चढ़ते हैं दैट इज फॉरवर्ड काउंटिंग, और जब हम स्टेयर से वापस नीचे आते हैं दैट इज बैकवर्ड काउंटिंग. ओके, सो पेरेंट्स, आई होप यू लाइक दिस एक्टिविटी ऑफ बैकवर्ड काउंटिंग. इट्स अ वेरी इजी एक्टिविटी एंड यू कैन डू विद योर किड्स एट योर होम. ओके, सो बहुत ही सिंपल तरीका है ये आपको बैकवर्ड काउंटिंग लर्न कराने का. और आपको मैंने जो एग्जांपल्स दिए लाइक यू विल मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, स्टेप्स भी आप बच्चों को चढ़ा सकते हो नीचे उतार सकते हो, इस वे में बच्चा जो है इजीली बैकवर्ड काउंटिंग लर्न कर सकता है. क्योंकि इसमें कोई ऐसा खास बर्डन नहीं होता कि आपका बच्चा याद नहीं कर पा रहा रिवर्स काउंटिंग कैसे कराएं, तो ये टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं. आई हैव गिवन यू वेरी इजी एग्जांपल्स फॉर दिस. ओके, सो यू विल डू प्रैक्टिस फॉर दिस. वी विल मीट यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.